बिल्कुल उसकी तरह. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है. ओके. वो भी पटाखा है बहुत. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, बोला तुम बिल्कुल उसका ना, तुम ये छोटा वर्जन है, तुम बड़ा वर्जन हो उसका. खैर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लीगली मैं बाउंड हो गई. सब कुछ एक ही सिटी में हो उसी वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई. ओह माय गॉडनेस. पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ. अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना, तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड होकर बात सुनी, मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तुमने जाया कर दी. सहर बस ठीक है ये, मैंने कहा बात सुनो मैं सिलेक्ट हो गई. ओ याहू वी विल सेलिब्रेट. ओके. मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना. फिर हम घर पहुँचे, अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को, शूट शुरू था, एक डेढ़ महीने बाद शूट शुरू होनी थी. अब मैंने बोला यार घर वालों से पूछा ही नहीं है क्या करूँगी, तो बड़ा तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था. ठीक है, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मैं उसको बोल के आई थी. मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाज़त नहीं मिली तो तुम यू आर डिग्री बाउंड, आई एम नॉट बेबी. तो उसने बोला यार, तो खैर बाबा के पास गई कमरे में, मैंने बोला पापा वो मैं सिंगर बन सकती हूँ. पहले मैंने बोला जरा एक्टिंग तो नहीं आती जरा. पापा ने बोला इतने जूते लगवाऊंगा ना, भाग जा. चली गई. फिर अगले दिन ना मैंने पापा को बताया, पापा वो आज मैं कॉलेज गई थी ना, तो वहाँ ना हम TV की टीम आई हुई थी, इतनी सारी आवाम थी और सबका ऑडिशन हुआ और आपकी बेटी को सेलेक्ट किया उन्होंने. कहानी बनाई. मैंने कहा आपकी बेटी को सेलेक्ट किया, पापा थोड़ी देर मुझे क्यों देख रहे. मैंने पापा लेकिन एक गलती हो गई, बस मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो पापा थोड़ी देर तो बैठे, उनको मामा आपको पता होता है झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों. तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसे तो तुम्हारा बना नहीं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो मैंने बोला पापा वो ऐसे ही जो पेपर वर्क होता है वो किया. तो पापा ने बोला वो मैं तो कैंसिल करवा दूंगा, कुछ नहीं होता तो अलाउ तो नहीं. फिर खैर बहुत रोना रोना किया मैंने, पाँव जोड़े पापा के, पापा प्लीज़ मान जाए, अम्मी को मनाया, कोई नहीं मान रहा था. फिर मेरे एक छोटे चाचू जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने बड़े दादा दादी बड़े अबू तो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनते थे लेकिन चलती दादा की थी, तो उनको मनाया और उनके थ्रू मुझे मेरी इजाज़त. तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हम ज्वाइंट फैमिली से ना फिर हम अलग हो गए थे. तो जब हम अलग हुए तो ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई. तो तब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी माँ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है. मेरी माँ आज तक मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ है. अम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना है बाप खड़ा हुआ. लेकिन पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुँह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अबू ने बोला था. मैंने बोला आपके अबू ने बोला है तो आप कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह. अच्छा सांवरी ना बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई. ठीक है, ज़ैनब उसामा सब होते थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और बहुत मज़ा आता था मुझे. तो बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, बहुत जल्दी टीज़र. कामरान सर बहुत जल्दी यू नो कामरान भी बहुत जल्दी जल्दी शूट करते हैं, काम करते हैं. तो वो बहुत जल्दी टीज़र हमारे ऑन एयर हो गए. तो वो उस टीज़र में एक डायलॉग था, मैं ज़ैन को बोलती हूँ कि शमा दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती है. तो वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था उस वक्त ना. तो मेरे अम्मी अब्बू को यू नो फैंस रिएक्शन मिलना शुरू हो गए, उनको अम्मी की फ्रेंड्स बता रही हैं, पापा के दोस्त बता रहे हैं, सब बता रहे हैं. तो वो इतना खुश हुए. तो मैंने बोला पहले तो आप लोग मुझे इजाज़त नहीं देते थे, अब जब मेरे फैंस आपके दोस्त मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं तो अब मैं अच्छी हो गई हूँ. तो पापा ने फिर मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, कल को तुम अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे. माँ बाप से इजाज़त दे के या माँ बाप के फैसले के साथ चलोगी तो इंशाल्लाह कामयाब तुम करोगे और माँ बाप की दुआएं ही आपको आगे लेके जाती है. तो पापा ने कहा तुम इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो मुझे आज तक याद है, कभी गरूर नहीं करना. ठीक है, और जो तुम्हारे से जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे हम ड्राइवर्स होते हैं और ये जो स्पॉट के लड़के होते हैं, टेक्निकल जो टीम होती है जो आपको सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली उनसे इज्जत से बात करें. एक्टर से तो आप वैसे ही इज्जत से बात करोगे ना, अपने ऊपर तो लोगों से आप इज्जत से बात करोगे, लेकिन जो ये नीचे के तबके के लोग हैं ना, इनसे कभी बदतमीजी नहीं करना, अगले दिन घर बिठा दूंगा. मैंने कहा ओके बाबा दूसरी बताए. तो फिर दूसरी बाबा ने बताया कि हमेशा जो झुका हुआ दरख्त होता है ना वो फल देता है और अकड़ना मुर्दे की निशानी है. तो मुझे आज तक याद है, जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कभी अगर हल्का सा भी टैंट्रम्स आ जाता है या कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ नहीं मुर्दे अकड़ते हैं यार, इंसान नहीं अकड़ता, डाउन टू अर्थ बनो. तो बस इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. सांवरी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, फैन का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बन गई हूँ. फिर दोस्त भी यू नो पार्टी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब बहुत खुश हुए. फिर मेरा अगला प्रोजेक्ट शुरू हुआ नकबज़न. अच्छा नकबज़न का बताऊँ आपको? बिल्कुल ऑफ कोर्स. ओके, हम तो कहानियाँ ही सुननी है. ओके, मैंने कहा मैं ज़्यादा ना बोलूँ, चाहे आप खामोशी से मुझे सुन रहे हैं. मेरा काम सुनना है और सवाल पूछना है जहाँ सवाल रिक्वायर्ड है, मेरा काम ही बोलना. अच्छा मैं फिर नकबज़न की मेरी शूट शुरू हुई और
महेश भाई ने मुझे बुलाया, महेश भाई ने बोला बच्चा एक ड्रामा है नकब जन्ना, तो वो कर रही हो आप? तो मैंने बोला महेश भाई अच्छा, उस वक्त ना मैंने कहीं से सुन लिया था कि लीड होता है कोई चीज़, मैंने बोला अच्छा लीड पे कौन है? तो उन्होंने जुमा जुमा दो दिन आठ दिन हुए, क्या होता है वहाँ पे जुमा जुमा आठ दिन में? मैंने बोला लीड पे कौन है? उन्होंने बोला लीड पे तुम हो। अच्छा वो हमेशा मुझे बोलते हैं मुझ पर भी, उन्होंने बोला लीड पे हो तुम ताकि कर ले प्रोजेक्ट, वो ऐसे ही उनको पता है मेरा, तो वो उन्होंने मुझे बोला लीड पे, तो मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मैंने कहा अच्छा और कास्टिंग में, तो फिर मुझे बताया सबूर है, मैंने कहा वाह आगे बताएं, मैंने कहा अली अब्बास, मैंने कहा ओ वाह वसीम अब्बास है, बहुत अच्छी कास्टिंग लगी, तो मैंने कहा ओ वाह। मैं बहुत एक्साइटेड होके शूट पे पहले दिन पहुंची, मुझे लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग आती है, मुझे सब कुछ आता है। अदील भाई डायरेक्टर थे, अदील भाई बताती हूँ किस्सा आपका। हमारी शूट शुरू हुई, पहला दिन था, सबूर के साथ मेरा पहला सीन था, सबूर ने अपना वन टेक में दिया और सबूर फ्री। अब मेरे पे कैमरा आया, अब मैं डायलॉग्स दे रही हूँ और अदील भाई बोले नहीं वापस, मैंने दूसरी दफ़ा दिया नहीं वापस, तीसरी दफ़ा दिया मैंने वापस, चौथी दफ़ा दिया वापस। और जो DOP वहाँ पे थे वो मेरे सांवरी में होते थे और सांवरी में वो देखते थे कि कैमरा भाई मेरी तारीफ़ करते, तो मैं वन टेक एक्टर हूँ। आज तक मुझे हर कोई बोलता है कि वन टेक आर्टिस्ट है। ओके, तो मैंने बोला अदील भाई क्या कुछ मतलब कोई मसला आ रहा है क्या आ रहा है? अच्छा मुझे ये बात पता थी कि अदील भाई शायद, मुझे ये लगा शायद अदील भाई भी कामरान भाई की तरह खुश नहीं है मुझे लेके, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कास्ट है, न्यू एक्टर को आप उनके साथ खड़े, और वो भी नकब जन में जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एग्जैक्टली, उसके बगैर ड्रामा अधूरा था। यस, तो फिर मेरा सीन शुरू हुआ, फिर मेरी रीटेक, 8 रीटेक्स मैंने दी उस वक्त उनके कहने पे, मैंने तो अपनी पहली में, मैंने कहा मैंने तो पहले में ही अच्छी दी, बट उन्होंने कहा नहीं अच्छी आप दोबारा दें, मैंने दोबारा दी 8 दफ़ा ना, मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया। तो मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, कोई मुझे कुछ बोल, मैं वैसे तो बड़ी जॉली हूँ लेकिन अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ, और मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगली दफ़ा जब सीन हुआ तो तब भी सारे एक्टर्स ने वन टेक में दे दिया और मेरा वापस हो रहा है, मैंने कहा बाकी सब ने भी तो बुरा दे सकते थे, उनको भी तो आप वन टेक ले, उनकी क्यों लिया आपने, वो पुराने इसलिए, मैं न्यू हूँ तो मेरी बोल दिया जाके, दिल में सोचा अकेले में बोला था जब रो रही थी मैं, मुझे इतना बुरा लगा मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैंने ड्रामा नहीं करना, मैंने कहा मुझे नहीं आती एक्टिंग और मुझे एक्टर नहीं बनना, मैं अपना जाऊंगी पढ़ाई करूंगी और घर वालों से मार खाऊंगी, नहीं रहना मुझे यहाँ। तो फिर मैंने ना महेश भाई को, बस मैं ये मिला रही थी, मैं रोते रोते महेश भाई को फ़ोन करूंगी, मैंने नहीं करना ड्रामा, 3 रीटेक्स कराते कौन कराते, मैंने उनको फ़ोन करने ही वाले थे, अदील भाई आ गए, उन मेकअप आर्टिस्ट ने उनको बता दे सहर हो गए, मेरे पास आओ, एक सेकंड चुप, पहले चुप चुप। उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई जो कि मुझे आज तक याद है, और उसके बाद शायद मुझ में ठहराव भी आया, उन्होंने मुझे बोला एक बात याद रखो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ स्क्रीन पे किसने आना है, अदील ने आना है? मैंने कहा नहीं, कह रहे तुमने आना है, तो मैंने कहा हाँ, तो कह रहे अगर तुम अच्छी आओगी तो किसका फ़ायदा है, मेरा या तुम्हारा? मैंने कहा मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला मेरी क्या कोई दुश्मन है तुमसे, ये तो मेरा भी तो प्रोजेक्ट है, अच्छा उनका भी ये पहला प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला ये मेरा भी प्रोजेक्ट है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक एक्टर मंजावा लगे, ये ना लगे कि सबूर ने अच्छा किया और अली ने अच्छा किया और ये जो न्यू लड़की थी ना इसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि सोप की एक्टर थी। उन्होंने मुझे ये बात बोली, उन्होंने मुझे बोला तुमने सोप किया है उसमें तेजी चल जाती है, बट ये जो कैरेक्टर है ये एक मैच्योर और ठहराव वाली लड़की का है,